दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस किया था कि आपको जनरल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीएनएस एग्जामिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीएनएस एग्जामिनेशन मेनली चार पार्ट में करते हैं। नंबर वन, हायर मोटर फंक्शन चेक करते हैं। उसके बाद आपका क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद आपका जो रिफ्लेक्स होते हैं उनको चेक करते हैं। लास्ट में आता है मोटर एंड सेंसरी फंक्शन को चेक करते हैं। तो पहले पार्ट में हायर मोटर फंक्शन, तो हायर मोटर फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक कोट लिख रखा मैंने, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करते हैं हम हायर मोटर फंक्शन को चेक करने के लिए, हम ओरिएंटेशन पूछते हैं पेशेंट से। ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम में क्या पूछेंगे कि अभी क्या टाइम हो चुका है। प्लेस में क्या पूछेंगे कि अभी तुम कहाँ पर प्रेजेंट हो। ये नहीं पूछना कि तुम हॉस्टल प्रेजेंट हो नहीं हो या नहीं, ठीक है। अवॉइड आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन। और एक लास्ट में पूछना आपका ओरिएंटेशन टू पर्सन। आप पूछ सकते हो कि मैं कौन हूँ, आसपास पेशेंट के पास लोग हैं वो कौन है, ठीक है। आस्क हु एम आई और मे बी अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट। ये सबसे पहला स्टेप होता है। यदि फाइनल एग्जाम आप एग्ज़ाम भी देते हैं ना, तो सबसे पहले यही देखता है कि ये पूछ रहा या नहीं रहा। सेकंड आता है टेस्टिंग फॉर अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है? स्किल एक्शन। आपको क्या कहना है कि ओपन ए पेन एंड अगेन क्लोज इट। उससे देखना है कि वो क्लोज कर पाता है नहीं कर पाता। यदि फेल हो जाता है उसी को बोलते हैं अप्रेक्सिया। टेस्टिंग फॉर कंस्ट्रक्शनल अप्रेक्सिया। आपने एक पेज पर ट्रायंगल कुछ डायग्राम बनाए, ट्रायंगल आपको ड्रा करने के लिए कहते हैं पेशेंट को। यदि वो कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो कंस्ट्रक्शनल अप्रेक्सिया। ऐसे ही ड्रेसिंग अप्रेक्सिया होता है, मतलब हम उसको या तो कुछ कपड़े पहनने के लिए देते हैं कि पहन के दिखाओ, या कुछ कपड़े तो उतरवाते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोच टू एफेजिया। एफेजिया क्या होता है दोस्तों? ये डेफिनेशन बिल्कुल पता होना चाहिए अपने को। एग्जाम की पहले सबसे पहले वो डेफिनेशन पूछता है। एफेजिया इज ए इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड कम्प्रहेंशन ऑफ स्पीच एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट ऐसे याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हम फर्स्ट क्या करते हैं, एस्टेब्लिश इफ द पेशेंट इज राइट और लेफ्ट हैंडेड। मोस्ट ऑफ द आपके राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो राइट साइड का एरिया आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है राइट हैंड पर्सन में, और लेफ्ट में मेनली होता है राइट। तो हमको पहले से पहले चेक करना होता है कि आपका डोमिनेंट हेमिस्फेयर कौन सा है, राइट या लेफ्ट, ठीक है। डिस्कवर द पेशेंट फर्स्ट लैंग्वेज। आपको उसी की लैंग्वेज में बात करनी होती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए उसकी लैंग्वेज कौन सी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्यों चेक करते हैं? ये वर्णिका एरिया का फंक्शन चेक करने के लिए। वर्णिका एरिया ये आपका करेक्ट है, मतलब फंक्शनल है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन कर पाता है पेशेंट। तो कैसे करते हैं? असेस अंडरस्टैंडिंग। आस्क द पेशेंट ए सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम एंड एड्रेस। वो आपका क्वेश्चन समझ पाता है, समझ का आंसर दे पाता है, तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहा है। व्हाट इज योर जॉब, हु वेयर डू यू कम फ्रॉम। मतलब इन क्वेश्चनों के जो समझ के आंसर दे पाता ना, मतलब उसका कॉम्प्रिहेंशन पॉजिटिव है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। आस्क क्वेश्चन विद यस और नो आंसर, ठीक है। गिव ए सिंपल कमांड, इफ सक्सेसफुल ट्राई मोर कॉम्प्लिकेटेड कमांड। हम पूछ सकते हैं कि कमांड मतलब अपने हाथ ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ, मतलब ऐसे हम कमांड दे सकते हैं। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं यस और नो आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये हमको कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग से चेक करने के लिए टेस्ट था, ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका नेमिंग डेफिसिट। नेमिंग डेफिसिट क्या होता है? इसके लिए रिक्वायर होता है बोथ ब्रोकाज एंड वर्निक एरिया, दोनों फंक्शन होने चाहिए इसको करेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो नंबर वन आता है टू वे सीमेंटिंग। कैन नॉट नेम इवन ऑन क्लूज। वन वे रेट्रीवाइल बेस्ड। कैन पॉइंट टू राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हम एक साइड से कैसे पूछ सकते हैं, जो हम पूछेंगे कि आसपास कोई चीज़ है उसके बारे में कि कहाँ पर है, तो वो आंसर देगा। पर एक टू वे क्या होता है कि कोई कुछ चीज़ हम हाथ में ले रखा है, ठीक है, मान ली ग्लास है, तो हम पूछेंगे क्या है। द पेशेंट मे फेल टू कम अप विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, मे प्रोवाइड ए सर्कमलोकुएस डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द पेशेंट ऑफर ऑन इनकरेक्ट बट रिलेटेड,
मतलब जैसे उस पप्पू ने कहा कि पेन हाथ में लिया और पूछा कि ये क्या है, यदि वो पेन फॉर पेंसिल पेंसिल लिया और पेन बताता है तो उसे बोलते हैं सिमेंटिक, और यदि वो पेंसिल की जगह पेंटिल बोलता है, मतलब सेम टाइप का ही, उसे बोलते हैं फोनेमिक। ठीक है, ये आपका एग्जाम पूछ सकता है, सिमेंटिक क्या होता है, फोनेमिक क्या होता है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है रिपीटेशन चेक करने के लिए। रिपीटेशन में भी बहुत एरिया चाहिए, रिक्वायर बोथ ब्रोकाज एंड वर्निक एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रोकाज वर्निक का एरिया के कारण ही आपका रिपीटेशन आता है। आपको क्या पूछना है, आस्किंग द पेशेंट टू रिपीट सिंगल वर्ड, शॉर्ट सेंटेंस और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड सच एज नो, इफ और बट। मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीट करवाएंगे उससे, पूछेंगे कि यदि ये ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिंग ऑफ रेपिटेशन विद टंग ट्विस्टिंग सच एज हिपेटोटमस प्रीस कॉन्स्टेबली प्रोवाइडिंग ए बेटर असेसमेंट ऑफ डिसरिथ्रिया। ये क्या होता है डिसरिथ्रिया, मतलब हम कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड बोलने के लिए पेशेंट को कहते हैं जो सच में मुश्किल होते हैं, एक आम इंसान के लिए बहुत बहुत मुश्किल होते हैं बोलने। तो कुछ वर्ड ऐसे ऐसे हम देंगे जैसे हिपोपेटेमस, तो यदि वो बोल पाता है तो मतलब आपका रिपीटेशन उसका करेक्ट है, मतलब उसके दोनों एरिया काम कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। लास्ट हम देखते हैं फ्लुएंसी को देखने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लुएंसी के लिए चाहिए रिक्वायर्ड ब्रोकाज एरिया। तो फ्लुएंट क्या होता है, फ्लुएंट इफ़ इट इज मेंटेन अप्रोप्रिएट आउटपुट वॉल्यूम एंड फरेज लेंथ। फ्लुएंट होना चाहिए बंदा, उसको चेक करने की। नो फ्लुएंट किसे कहेंगे, इफ़ इट इज स्प्रेड एंड हाल्टिंग एंड एवरेज अल्टरनेट्स लेंथ इज बिलो 4 वर्ड। ठीक है, अटक अटक के बोल रहा है, पहले 2 वर्ड बोला फिर एक बीच में गैप लिया फिर से 2 बोला, तो इसे बोलते हैं नॉन फ्लुएंट। ठीक है, हम चेक करते हैं तो हमने क्या क्या चेक किया अभी तक, और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एग्जाम एग्जामिन करेंगे। फ्लुएंसी चेक करना होता है, रिपीटेशन चेक करना होता है, आपका नेमिंग डेफिसिट चेक करना होता है, अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को चेक करते हैं, आपका एफेजिया के अंदर और एपरेक्सिया को चेक करते हैं। सबसे पहले हम ओरिएंटेशन पूछते हैं उससे, तो ये जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं हम CVS के अंदर। ये आपका पहला पार्ट था CVS हायर मोटर फंक्शन को चेक करना। नेक्स्ट में हम क्रेनियल नर्व होती हैं उनको कैसे एग्जाम करते हैं वो देखेंगे। तो थैंक यू।